चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। डर वाली कोई बात नहीं, और इतने बड़े विशाल जनसमूह के सामने ये नाश की चाहते हो, नाश के लिए हम तैयार है भाई। इस संगठन को टूटना तो जैसी भी कुछ होगी सबके साथ होगी, हम आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े भाई। बात तो सारी होली, कहा कि आप टेंशन लोगे, अरे सुनो तो, एक मरीज चला गया डॉक्टर के पास में, और डॉक्टर को कहना डॉक्टर साहब मैं टेंशन में हूं, चिंता भी कह दे डिप्रेशन भी कह दे, कहने पर कहीं पे है तू उन्हें बता क्या कई बात पर हो जाता जे टेंशन, कहने जैसा थारा अस्पताल बन रहा आयु ये लोन लेकर बना होगा, कहने हाँ भाई इसमें स्टाफ भी है, खा बिजली का बिल भी खा, और मरीज थारा आने रहे, मरीज थारा आने मुझे या टेंशन बनेगी। उन्होंने डॉक्टर ने सोचा भाई ये तो तेरा तो नाश ही हो गया भाई, मरीज तेरे है नहीं, तेरे मरीज को ही तेरे अस्पताल का फिक्र है। तो भाई हम तो एक बात आप लोगों को बता रहे, डर वाली तो कोई बात है नहीं, डर वाली कोई बात नहीं, और इतने बड़े विशाल जनसमूह के सामने हिचकन वाली तो कोई बात है नहीं। आप लोग बड़े अनुशासन से आंदोलन चलाओ, जगह जगह ये ऐतिहासिक मैदान है, इसमें बहुत निर्णय लिए गए भाई। हम तो पहले तो यहाँ के जिला प्रशासन को कहे जो कुछ भी चाहते हो ये नाश की चाहते हो तो नाश के लिए हम तैयार है भाई। नहीं बिल्कुल हकीकत बता रहे, नाश के लिए हम तैयार है, यहां से बहुत आदमी नाश के लिए चल रहे। हम किसी संगठन के होने कहते, सब संगठन अपने ही है भाई, लड़ाई हम फिर लड़ लेंगे। पहला सरकार के सामने चुनौती है किसानों की, आज किसान बर्बाद है, बारूद के ढेर पर बैठा। 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था मेरठ की रैली में, अगर हमारी सरकार बन गई तो 450 रुपए क्विंटल गन्ने का रेट होगा। हम गन्ने के किसान है भाई, यहां हमें दिखा मगा भाई बहुत कुछ हो जाएगा भाई, हमने भी वोट दे दी और पे भी दुआई भाई। इतना बुरा मामला, इतनी बुरी सरकार भाई, आप लोग मैं तो आप लोगों को यही कहूं, समय समय पर आप लोग इज्जत बचाओ, खूब बचाओ, इस संगठन को टूटन ना दो, इस संगठन को टूटन ना दो। जो मकान टूट जाने या बात गौर से सुनिए, तुम मकान टूट जा, कोई उसकी ईंट ले जा, कोई कड़ी ले जा, कोई गाठरी ले जा, इस संगठन को टूटना तो जैसी भी कुछ होगी सबके साथ होगी, हम आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। कोई भी बात, कुछ भी ऐसी बात ना होने दो। कुछ आदमी उन्हें ठेका ले लिया, यंग का ठेका ले लिया इस जिले का, और वे कान खोल कर सुन लो, उन पहुंचे चल लो उठो ना, ए पहुंचे चल लो। हालांकि यहां कोई चुनावी मुद्दा नहीं, ना कुछ चुनाव की बात है, पर 2024 भी है। खैर मैं सुना मशवरा तो किसी की नहीं ली, काम धंधे का समय है, सब किसान है, यादमों का तोड़ा है, वैसे तो खैर जो
कमेटी निर्णय लेगी वही लेगी। नहीं हम ले रहे तो हम तो यही कहे भाई आंदोलन को तो समाप्ति कर दो, बुरियाई भलाई भी हमें ही मिलेगी। कोई आदमी कह दे नहीं, जब ताल पर बात आ रही थी, एक बजाज सुगर पे हमने कह दिया था भाई मगर हमें मरना पड़ जाएगा भाई यहां से, तो उन्होंने कल खैर पेमेंट कर दिया सारा। कोई एहसान नहीं करा, कोई एहसान नहीं करा, हमने गन्ना दे रखा भाई। हम तो यही चाह, यहां प्रशासनिक अधिकारी सबसे बड़ी दिक्कत तो 12 रुपए मीटर की है, ट्रैक्टर की है, आवारा पशु की है। जो यहां की स्थिति है, गन्ने की पर्ची पे 000 लिखा हुआ है, 3-0 लिख रहा। तो बातचीत सारी हुआ है, आप लोगों का सबसे बड़ी बात यह है, आप लोगों का सम्मान नहीं सरकार में भाई। बातचीत हो भी जा, आश्वासन भी मिल जा, किसी बात पर हल भी हो जा, पर यह मैं बताऊं आप लोगों को, जो हमें महसूस हो रही, आप लोगों का सम्मान नहीं भाई। सम्मान के साथ में देखो, अगर सम्मान के साथ में खिलवाड़ होगा तो इनकी पिंडी पीट जाएगी, कदे किस और चक्कर में हो। और बस अनुशासन पे संगठन को चला गया, जब भी कभी जरूरत पड़े आप लोगों ने, अरे सर सुन तो ले, आप लोगों ने खाने पीने का भी इंतजाम करा, उनके लिए भी धन्यवाद है। जो यहां से 13 दिन के आंदोलन में सबने बड़ा सहयोग करा, सफाई कर्मी भी, उन्होंने भी सफाई का विशेष ध्यान रखा। और आगे भी इसी तरह की बात करते रहो भाई, आप लोगों की लड़ाई नहीं, प्रशासन तो खैर ऐसी बात नहीं, पर हाँ गुरुद्वारा वैसे तैयार और बहुत थे आदमी, नहीं कप्तान साहब आप इस जिले में नए आए, लखीमपुर खीरी भी आपका अच्छा हो रहा, हम नहीं कहते, और हम यही कहे जी, आप लोगों का सम्मान है, आप लोग यहां से आए और जो वादे हुए इन पर खड़े उतरो जी, हम आप तक ज्यादा खड़े उतरेंगे, कोई तनाव ना हो कुछ ना हो। इसी के लिए जय हिंद जय भारत। भाई जो बाहर के ट्रैक्टर आ रहे खास करके बुलंदशहर के जो